हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोगों की फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और बोर्ड एग्जाम का जितना भी सब्जेक्ट्स के पेपर हैं वो सब मैंने अपलोड कर दिया है, जिससे आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी करने में काफी हेल्प हो जाएगी, काफी इजी हो जाएगा। क्योंकि पेपर्स को मैंने अपलोड किया है उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे पेपर आते हैं। तो आप लोग वीडियोस चेक करके देख लीजिएगा और सब्जेक्ट्स के पेपर्स का कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं और हमें अपने एग्जाम की तैयारी को किस तरह से करना चाहिए, आपको इससे काफी हिंट्स मिल जाएगी। तो मैथ का बच गया था तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो देखिए, ये बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर है मैथ का, तो इसमें भी टाइम 3 घंटे 15 मिनट ही होते हैं, जिस तरह जैसे आपके सभी सब्जेक्ट्स में होते हैं। और जो 15 मिनट होता है वो पहले आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटा पेपर को पूरा सॉल्व करने के लिए। और आपका जो पेपर है टोटल 70 मार्क्स का होता है। उसके बाद सबसे पहले तो आपके पेपर में निर्देश दिए रहते हैं कि आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका अपना पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, यानी 7 टाइप के प्रश्न होंगे जिसके अंदर क ख ग ग कर कर के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। उसके बाद तीसरा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में है सबको करना कंपलसरी है। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है वो सब क्वेश्चन के सामने सामने लिख दिया गया है ताकि आप लोग देख लें। पांचवा है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। तो देखिए, पहले सवाल से आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और आखिरी तक करते जाइए, और जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहा है तो उस पर अपने समय को बर्बाद ना कीजिए। अगर उसके बाद का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप पहले वही कर लीजिए, बाद में जो नहीं आ रहा है आप उसको बाद में कीजिएगा। उसके बाद है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल में क्रियापद लिखिए। उसके बाद है, प्रश्नों के हल उत्तर पुस्तिका में दोनों ओर लिखिए, यानी जो कॉपी मिलती है उसके दोनों तरफ आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर करके उसे काट दीजिए, इस पृष्ठ पर कोई हल ना करें। तो देखिए स्टूडेंट, मैथ में आपको रफ वर्क करना ही पड़ जाता है, क्योंकि बिना रफ वर्क के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अपने उत्तर यानी आपको जो कॉपी मिलेगी उसके लेफ्ट पेज पे आप सारा रफ वर्क कीजिए। रफ वर्क करने के बाद उसको कट कर दीजिए और उस पर लिख दीजिए रफ वर्क या कट कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका रफ वर्क है। और उस पर कोई क्वेश्चन फिर हल मत कीजिएगा, बस रफ वर्क करके उसको कट करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है, रचना से संबंधित प्रश्नों में रचना रेखाएं न मिटाएं, रचना पर संक्षेप में अवश्य लिखिए। यानी कि पेपर में आपको रचना दी जाती है, जैसे कि ज्योमेट्री में क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आपको कुछ न कुछ जैसे रेखाएं बनानी पड़ जाती हैं। उसके बाद है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ व सुंदर शुद्ध चित्र अवश्य कीजिए, बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और शुद्ध माने जाएंगे। यानी स्टूडेंट, बहुत सारे जैसे ज्योमेट्री में तो खींचना ही पड़ जाता है आपको चित्र, तो उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाइए। और अगर आपने नहीं बनाया तो आपका जो क्वेश्चन है आप उसको अगर पूरा सॉल्व भी कर देंगे और फिगर नहीं बनाएंगे तो आपके उस क्वेश्चन को पूरा नहीं माना जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका ये जो पेपर है, आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर आता है। और आपका ये जो पेपर है इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन दोनों में है, यानी एक क्वेश्चन अगर पूरा हिंदी में भी दिया गया है तो फिर ये सब पूरा इंग्लिश में भी दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप अपना पूरा क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है।